मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। कावन की श्रृंखला में हमने अनेक प्रकार के भक्तों को आपको दर्शन कराया, लेकिन आज जिस भक्त से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, अपने आप में हम उनकी व्याख्या हम अपने मुंह से नहीं कर सकते, क्योंकि इस परिस्थितियों में यहाँ से कावन ले जाना बहुत कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हम उन्हीं से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? बम बम बोले। सरबजीत। सरबजीत जी कहाँ से? हरियाणा करनाल से। हरियाणा करनाल से कितने दिन में यहाँ? यहाँ पे दो दिन में। हाँ जी, अभी दो दिन आपको जाते वक्त लगेगा? दिन तो वैसे काफ़ी पड़े हैं, तो आराम से जाएंगे। हाँ, कब से आप कांवड़ लेकर आ रहे हैं? हो गएगा तकरीबन 15-16 साल। तो 15-16 साल से, मतलब मित्रों कहते हैं कि जब अंदर जज्बात होती है तो कुछ भी नहीं, कोई विरोध सामने नहीं आता। मतलब विकलांग होने के बावजूद भी मन में एक श्रद्धा है कि भगवान भोले को कांवड़ चढ़ेगी, तो वो कांवड़ कैसे भी हो चढ़ना है तो चढ़ना है। विगत 15-16 सालों से भाई साहब बराबर कांवड़ लेकर आ रहे हैं। आपको परेशानी नहीं होती कोई? माड़ी मोटी तो होती है तकरीबन, बाकी भोले बाबा की दया। बाकी भोले बाबा की दया, सब भोले बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ जी, उसने करना जो करना। सजा रखा है आपने इसमें? ये चलती है हाथ से? चलती है हाथ से, दोनों हाथ से चलती है? दोनों से भी चलती है, कल एक से भी चलती है। अच्छा जी, बाकी पूरा मस्त सजा रखा, मतलब ऊपर से भी एक भगवान बोले कि कांवड़ के रूप में कि हम कंधे पे कांवड़। जल आपने इसी में अंदर रख लिया? जल? हाँ, ये भाई, मतलब जल यहाँ टांग रखा है, पूरा अच्छी तरह से शानदार बना रखा है। अब से थोड़ा चल करके दिखाएंगे। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जयप्रकाश, कैमरामैन दीपक के साथ अपनी वार्ता।